इमरान खान के लॉन्ग मार्च का इंतजार गुजरात वाले कर रहे हैं, मगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है गुजरात पहुंचने का नाम नहीं ले रहा। आज मंगल के रोज भी इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है गुजरात नहीं पहुंच सका, बल्कि अभी तक वजीराबाद में भी दाखिल नहीं हुआ है। अभी तक ये लॉन्ग मार्च जो है गुजरांवाला में है। गुजरात वालों का ये कहना है कि शायद ये लॉन्ग मार्च जो है कल बुध के रोज या जुमे रात के रोज जो है गुजरात में पहुंचेगा। इस वक्त हम गुजरात और वजीराबाद का जो सरहदी इलाका है वहां पर मौजूद हैं। ये हमारे कैमरे आपको दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं कि चनाब का पुल जो है, चनाब के दोनों पुल की तरफ इतराफ जो है यहाँ पर रूटीन में जो है यहाँ पर आपको ट्रैफिक जो है रवान दवान नजर आती है। मगर इससे पहले जो पहले लॉन्ग मार्च किया था इमरान खान ने 25 मई का, उस रोज जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर बड़े बड़े ट्रालर रख दिए गए थे मट्टी डालकर और सड़कें भी खोद दी गई थी, हत्ता कि यहाँ पर लोगों को पैदल चलने की भी इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी और हमजा शहबाज जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे। और अब इमरान खान के जो इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज इलाही जिनका तल्लुक गुजरात से है वो वज़ीर आला पंजाब हैं और उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च को खुली छुट्टी दे दी गई है। पुलिस तो वही है कि जिसने 25 मई को जो लॉन्ग मार्च के शुरका थे उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया था और उनकी दौड़ें भी लगवाई थी, बल्कि पुलिस के होब से उस वक्त जो तरीके इंसाफ के रहनुमा और कारकुन थे वो गरु में भी रूपोश नज़र आए। मगर आज भी हमारे हालात कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तो अभी यहाँ नहीं पहुँचा, मगर हमने यहाँ से देखा कि दरियाए चनाब से लेकर सर्वस मोड़ तक कहीं भी हमें इस वक्त कोई इस्तकबाली कैंप जो है दूर दूर तक नजर नहीं आया। दो तीन मकामात पर जो थी पुलिस की गाड़ियां जरूर मौजूद थी, मगर पुलिस की नफरी जो थी वो अलर्ट नजर नहीं आती, क्योंकि जो ही ये लॉन्ग मार्च गुजरात में दाल होगा तो उसके बाद पुलिस भी अलर्ट होगी और 5000 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से और चौधरी मोनस इलाही जो है गुजरात में जो ही इमरान खान का लॉन्ग मार्च पहुंचेगा तो उसका शानदार इस्तकबाल जो है दरिया चनाब के किनारे ही किया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो वजीराबाद के करीब पहुंच चुका है और आज रात जो है शायद ये लॉन्ग मार्च के जो शुरका हैं खासतौर पर वो वहाँ से रात को ये लॉन्ग मार्च के शुरका डिस्पर्स हो जाते हैं, वहाँ से घरों को चले जाते हैं और अगली सुबह जो है 11 बजे दोबारा जो है लॉन्ग मार्च के शुरका जिस इलाका में लॉन्ग मार्च पहुँचता है वहाँ के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर लॉन्ग मार्च के शुरका जो है इकट्ठे होते हैं। इमरान खान जो है वो आज रात जो है शायद वो सियालकोट में गुजारेंगे और इसके बाद गुजरात जब पहुंचेंगे तो गुजरात के वाला से ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है 2 रोज़ यहाँ क्याम करेगा। अगर कल बुध के रोज़ यहाँ दाल हुआ या जुमेरात बुध और जुमेरात या जुमेरात और जुमा को, पहले बताया गया था कि जुमा वाले दिन इस लॉन्ग मार्च ने जो था ये शिरकत करना थी, ख़ास तौर पर इसके पहुँचना था इस्लामाबाद में, मगर अब इस लॉन्ग मार्च को इंतहाई स्लो कर दिया गया है और ये लॉन्ग मार्च अब ऐसा लगता है कि कई रोज पंजाब के अंदर ही रहेगा। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।